पंडित राम मूर्ति मिश्रा बीजेपी नेता एवं समाज सेवी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 15 अगस्त के पावन पर्व पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिला वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा देश प्रगति की ओर बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानी मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। धारा 370 को ख़त्म करके, 305A को ख़त्म करके, 3 तलाक को ख़त्म करके, और जो सदियों से 500 वर्ष से हिंदुस्तान के लोगों, जो 130 करोड़ की हमारी आबादी है, उनकी चाहत थी कि राम मंदिर बने, जो एक विषय विवाद का बना रहता था, उसका समापन सम्मानी मोदी जी ने कर दिया है। ये अपने आप में हमारे लिए गौरव की बात है। राम मंदिर का विश्व में जिस तरह से शोभान हुआ है, हमारे देश में तो हुआ ही, वो अपने आप में जो करके दिखाया है, वो सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो सम्मानी मोदी जी को जाता है। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयों में हमारे सम्मानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आम आदमियों के लिए शिवराज सिंह का योगदान, 7.5 करोड़ जनता के प्रति उनका समर्पण, उनका योगदान अनुकरणीय है और काबिले तारीफ है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानी बीडी शर्मा जी ने संगठन को बहुत मजबूती दिया है। उनके आने से कांग्रेस का पतन हुआ, भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। हमारे जिले के सांसद राकेश सिंह जी ने कोरोना में, वैश्विक महामारी में, जिस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया है, आम आदमी से जुड़कर उनके लिए जो कार्य किया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय है। आज इन सब हालात में जो कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें हमारा देश बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और आम आदमी जो ग्रसित हो रहा है, संक्रमित हो रहा है कोरोना से, उसको जो ग्रोथ है रिकवरी का, बहुत ज़बरदस्त है। मैं पुनः आप सबको 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आए हम सब मिलकर राष्ट्र को मजबूत बनाएं, ताकतवर बनाएं, पूरे विश्व में हमारा विजय पताका फहराएं।